बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियान में ना चला करो। बुक का नाम काबले रश ख्वातीन, सफ़ा नंबर 133, टॉपिक नंबर 42। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकल रहे थे, देखा कि रास्ते में मर्द और औरत मिलजुल कर चल रहे हैं। औरतों की तरह मुखातब होकर फरमाया, पीछे रहो और रास्ते के दरमियान में ना चला करो। आपके इस फरमाने आलीशान के बाद औरतों का ये हाल हो गया था कि गली के किनारे से इस तरह लग कर चलती थी कि इनके कपड़े दीवारों से उलझ जाते थे। औरतों और मर्दों का यूं इख्तलात लाजमी तौर पर फितना फसाद का सबब बनता है, जैसा कि हमारे माशरे में इन स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों या इस तरह के फैक्ट्रियों में बासानी मुशाहदा किया जा सकता है, जिनमें लड़के, लड़कियां, औरतें और मर्द एक साथ पढ़ते या कामकाज करते हैं। इसी वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो ना रहने की बिना पर मर्दों के करीब चलने वाली औरतों को इस अमल से मना फरमाया। और आपकी मतवज्जा फरमाते ही मुसलमान बहनों का जानबी एहतियात इख्तियार करना साबित करता है कि वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को बेहद अहमियत दिया करती थी। और क्यों ना देती कि इनको अल्लाह ताला का ये हुक्म आलीशान मालूम था, और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए वो ले लो और जिसे मना फरमाए बाज रहो। सूरह हश्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियान में ना चला करो। बुक का नाम काबले रश ख्वातीन, सफ़ा नंबर 133, टॉपिक नंबर 42। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकल रहे थे, देखा कि रास्ते में मर्द और औरत मिलजुल कर चल रहे हैं।